अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रिजवान ने अपनी परफॉर्मेंस से एक मरतबा फिर बता दिया कि वह एक अच्छे प्लेयर हैं। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए मुल्तान सुल्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने PSL में एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जो आज तक किसी भी प्लेयर ने नहीं बनाया। शाहिद अफरीदी का मोहम्मद रिजवान के बारे में क्या कहना है, मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मजीद इस तरह की न्यूज़ मिल सके। पिछले दो मैचों से मुल्तान सुल्तान की नाकामी के बाद आखिरकार मुल्तान सुल्तान अपना मैच जीत गई। मोहम्मद रिजवान की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बायस मुल्तान सुल्तान अपना मैच जीत गई। मोहम्मद रिजवान ने अपनी परफॉर्मेंस से बातें करने वाले लोगों को बता दिया कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं, वो पर्ची पर सिलेक्ट नहीं हो। मोहम्मद रिजवान ने PSL में ना सिर्फ रिकॉर्ड बनाया बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से कौमी क्रिकेट टीम में भी जगह पक्की कर ली और सरफराज की जगह शायद छीन ली है। इसके अलावा शाहिद अफरीदी ने मोहम्मद रिजवान के बारे में बात करते हुए कहा कि वो एक अच्छे प्लेयर और अच्छे कप्तान हैं, उनकी कप्तानी में खेलने में मज़ा आ रहा है और वो एक दोस्त की तरह पेश आते हैं। मोहम्मद रिजवान को कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से कभी भी टीम को जिता सकते हैं। रिजवान PSL के पहले तीन मैचों में 191 रन बनाकर बोर्ड की टॉप पोजीशन पर हैं। आज तक किसी भी प्लेयर ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया। PSL में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।